पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस कैसे शुरू करें। छोटे निवेश के साथ शुरू किए गए बिजनेस में नुकसान कम होता है, साथ ही मुनाफा पहले महीने से ही मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन निवेश छोटा ही करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार बिजनेस है। स्मॉल स्केल पर शुरू करके इस कारोबार में मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआती निवेश लगभग 50,000 रुपए और कमाई लगभग 30,000 रुपए महीना। पैकर्स एंड मूवर्स की बढ़ी डिमांड। शहरों की बढ़ती आबादी के बीच पैकर्स एंड मूवर्स की पिछले कुछ सालों में तेजी से डिमांड बढ़ी है। दरअसल आज के दौर में हर आदमी अपने सामान की सेफ्टी चाहता है। अगर आप मकान बदल रहे हैं तो आपको भी पैकर्स एंड मूवर्स की तलाश रहती है। वहीं ऑफिस या कंपनी शिफ्ट करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। किन चीजों की होगी जरूरत? काम शुरू करने के लिए आपको पैकिंग कार्टन, पैकिंग पेपर, टेप, रस्सी और कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी। इस काम में जरूरत के हिसाब से बड़ी या छोटी चार पहिया गाड़ी की भी जरूरत होती है। इसके लिए आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आपके काम के एवज में वो आपसे पैसे लेंगे। साथ ही लेबर की भी जरूरत पड़ती है। लागत कितनी लगेगी? इस तरह के व्यवसाय की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसको छोटे तौर पर शुरू करना चाहते हैं या फिर बड़े तौर पर। छोटे रूप में इसकी शुरुआत आप सब किराए पर लेते हुए 10,000 से 50,000 तक में कर सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? बिजनेस चाहे किसी प्रोडक्ट को बेचने का हो या फिर सर्विसेज देने का, बिजनेस को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। बिजनेस को कई बिजनेस एंटिटी जैसे प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि में किसी एक के अंडर रजिस्टर कराएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन सर्विस देने के साथ ही अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनवाएं, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनवाएं, आधार MSME रजिस्ट्रेशन कराएं। मार्केटिंग कैसे करें? इस बिजनेस के लिए अच्छी मार्केटिंग जरूरी है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। इस समय कस्टमर्स इस तरह के सर्विसेज के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप कंपनी की एक वेबसाइट बनवा लें। इस बिजनेस का भविष्य बहुत अच्छा है, तो आप भी शुरू करें ये बिजनेस और कमाएं अच्छा मुनाफा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।